नमस्कार, मैं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। पनागर में निकाली गई 35 किलोमीटर की पैदल कावड़, हजारों की संख्या में भक्तों ने दिया श्रावण मास के प्रथम सोमवार को समरसता कावड़ यात्रा समिति निकाली गई यात्रा। ठीकरी पुलिस को नर्मदा नदी में मिला शव, पुलिस ने करवाया ठीकरी अस्पताल में पोस्टमार्टम, पुलिस जुटी जांच में। कल सुबह सूचना मिली थी कि ब्राह्मण गांव घाट पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है घाट के किनारे नर्मदा नदी में। पुलिस गई थी, मौके पे बॉडी को निकाला। बॉडी संभवतः ऐसा देख के लग रहा था कि ये बह के आई है नर्मदा नदी में और वहां पर अटक गई थी। बॉडी को निकाला है, अभी पहचान नहीं हुई उसकी। पीएम करवा दिया है, जो भी हमारी वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं तथा उसको पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। संभवतः उस देख के लग रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति है और ऐसा भी हमको आभास हो रहा है कि किसी ने अंतिम संस्कार किया हो और बाही हो, इसलिए यहाँ पर आ गई है। बाकी हर बिंदु की जांच कर रहे हैं। झांसी के ग्राम निमोनी खेड़ा में खेत में मूंगफली की फसल बोई हुई थी, लेकिन वर्षा कम होने के कारण फसल हो रही थी खराब, जिससे किसान ने परेशान होकर लगाई फांसी। रहते थे मतलब, तो वहाँ मतलब फांसी मतलब क्या हो गया, मतलब फांसी लगा हुआ, मतलब पानी खेत पे मतलब ढोल में देखते थे, पानी ना बसने के कारण मतलब अपने वो सोसाइटी का लोगों ने खुद काई की फसल थी खेत मूंग मूंगफली हुई थी। जबलपुर के नर्मदा नगर में तेज बारिश के बीच निर्माणाधीन मकान की दीवार पड़ोसी के मकान में गिरी, दीवार गिरने से 70 वर्षीय बुजुर्ग की हुई मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पुलिस जुटी जांच में। रायसेन में बदलते मौसम में जहां मानव जीवन के स्वास्थ्य सुरक्षा पर फोकस जरूरी, वहीं पशुधन की भी वर्षा ऋतु में देखभाल बहुत आवश्यक। पशुपालन विभाग की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाकर पशुपालकों को उनके पशुओं की देखभाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा। बड़वानी में पुलिस पेंशनर संघ बड़वानी इकाई ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़वानी कलेक्ट्रेट में सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो करेंगे उग्र आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का हंगामा, बड़वानी जिले के मशहूर चील कॉलेज का मामला, प्राइवेट और नियमित छात्रों की परीक्षा में बैठक व्यवस्था में किया जा रहा भेदभाव। परीक्षा में एमए इंग्लिश 4 सेम की एग्जाम देती है, परीक्षा में समस्या ये थी सर कि मतलब प्राइवेट वाले बच्चों को मतलब पात्रता अंदर बैठने की, जो रेगुलर वाले बच्चे जो दोनों पैसे दे रहे वातावरण मानते हैं, लेकिन उनको पात्रता देना चाहिए ना, उनको भी जगह मिलना चाहिए बैठने के लिए, तो उनके लिए अलग रूम व्यवस्था करो फिर। तो मतलब नियमित वालों का किस जगह बिठाया था, नियमित वालों प्राइवेट वालों को अंदर बिठाया था और जो रेगुलर वालों को बाहर बिठाया था। बाहर मतलब क्या मतलब, बरामदे बिठाया था। हाँ, तो इस संबंध में आपने परीक्षा जो जो प्रभारी शिकायत करी थी, शिकायत करी थी, उनके पास लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी और पंखे वगैरह भी नहीं थे, कूलर की व्यवस्था भी वगैरह कुछ नहीं थी, और हमारे कहने पे लाइट लगाया, कूलर लगाया भी इन्होंने। निजी यात्री बस और ट्रक में भिड़ंत, चालक सहित 14 यात्री घायल, बड़वाह के उमरिया चौकी के पास कावड़ यात्रियों को बचाने के दौरान बस और ट्रक की हुई भिड़ंत, घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से बड़वाह अस्पताल में कराया भर्ती। चौकी के यहाँ पर कावड़ यात्री आगे चल रहे थे, मैंने हाथ में बजाया, एक कावड़ यात्री डर के चमक के बीच रोड पर आ गया, उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी कंटेनर के आमने सामने लगी, बस कावड़ यात्रियों को बचाने के चक्कर में। कसरावत चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कसरावत पुलिस को सरपंच संघ द्वारा दिया गया आवेदन, ग्राम सैलानी में 15 दिन के भीतर दूसरी बार चोरी की घटना को दिया गया अंजाम।